Good morning my dear student and welcome back in my channel and yesterday we are going to study good play this is from your book okay and it is on page number 43 and this poem is written by Robert Louis Stevenson R L Stevenson in short form we say okay so let's begin a good play अ गट प्ले जो कि रॉबर्ट लुइस स्टीवेंशन ने लिखी है इसमें कवि जो है वो अपने बचपन की स्मृतियों को है ना याद कर रहा है और बता रहा है कि वो कितने कंटेंटेड थे कितने संतुष्ट थे कितने खुश थे उन चीजों के साथ जो भी उनके पास थी ठीक है मतलब कि यू uh, नो you know, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो वो क्या करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स खेलते हैं ना कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं कभी इंजीनियर बन जाते हैं कभी सेलर बन जाते हैं कभी फार्मर बन जाते हैं कभी टी बच्चे जो होते हैं वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं है ना तो कभी वो डॉक्टर इंजीनियर जो भी वो चाहते हैं वो बन जाते हैं सो अ गुड प्ले है ना ये वही एक यू uh, नो you know, एक चाइल्ड हुड रेमिनसिस की बातें हो रही हैं एक बच्चा है छोटा है और वो एक प्ले खेल रहा है एक गेम खेल रहा है और उसमें वो सेलर बना हुआ है ना सो वी बिल्ट अ शिप अपॉन द स्टेयर्स वी बिल्ट मीन्स हमने बनाई अ शिप मीन्स एक जहाज को अपॉन द स्टेयर्स मींस सीढ़ियों पर ऑल मेड ऑफ बैक बेडरूम चेयर्स ठीक है तो ऑल मेड ऑफ मिज जो सब बनी हुई है बेडरूम चेयर से है ना ऐसा चेयर जिसपे आप अपने पीठ को यू you नो know, पीछे की तरफ रख के आराम से बैठ सकते हैं जो चेयर है ना उसको इसने मुलायम तकियों से भर दिया है ठीक है एंड गो अलिंग ऑन द बिलोज एंड गो अलिंग और इन्होंने तैरना शुरू कर दिया उसका क्या मतलब होता है बच्चों बिलोज का मतलब होता है ग्रेट वेव्स जो हाई टाइट्स होते हैं ना तो जो लहरें होती हैं है ना टू गो सेलिंग ऑन द हाई वेव्स है ना और फिर इन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी ये इनका इमेजिनेशन है है ना चेयर पर बैठे हैं सीढ़ियाँ सीढ़ियों पर इन्होंने चेयर लगा ली है रूम जो इनका बैक बेडरूम है वहाँ से ये पिलोज़ वगैरह लेकर आए हैं रेस्टिंग चेयर पर बैठ गए हैं और आराम से ये इमेजिन कर रहे हैं कि ये जो है यात्रा पर समुद्री यात्रा पर निकल गए हैं ठीक है वि सो एंड सेवरल नेल्स विटुक असो मीन्स इन्होंने एक सौ ले लिया है अब मुझे आप बताइए कि सौ का क्या मतलब होता है सो का मतलब होता है बच्चों आरी ठीक है क्या मतलब होता है इसको हिंदी में हम आरी कर कहते हैं और कारपेंटर जो होता है वो इसका यूज़ करते हैं अपना जब उन्हें फर्नीचर वगैरह बनाना होता है तो ये बोल रहे हैं कि टू तो का सौ हमने एक आरी ली एंड सेवरल नेल्स और बहुत सारी कील ले ली हमने एंड वाटर इन द नर्सरी पेल्स नर्सरी पेल्स का मतलब हुआ कि जो छोटा बकेट्स होता है ना पेल मीनस बकेट्स तो जो छोटे बकेट्स होते हैं ना उसमें इन्होंने पानी ले लिया ठीक है एंड टॉम सेड और जो इनका भाई है टॉम उसने कहा लेट अस ऑल्सो टेक एन ऐपल एंड अ स्लाइस ऑफ केक चलो ले लेते हैं एक सेब भी और केक की कुछ स्लाइसेस भी ले लेते हैं विच वॉज़ अनाफ फॉर टॉम एंड मी जो कि मेरे लिए और टॉम के लिए अनाफ था है ना जो ये व्याज पे निकले थे इनके व्याज के लिए ये चीज़ें अनाफ थी है ना टू गो अ सेलिंग ऑन टिल टी टू गोवा सेलिंग मीन्स एक यात्रा पर जाना टिली का मतलब हुआ कि जब शाम की यू नो जब चाय सब पीते हैं ना तो वो तब तक वापस आ जाएंगे क्योंकि अभी तो वो वो आज पे निकले हैं तो अभी ये इतनी चीजें लेकर जाएंगे एप्पल और कुछ केक की स्लाइसेस जो मतलब शाम के चाय के पहले ये सब वापस आ जाएंगे तो इतनी चीजें अनाफ है उनके लिए We sailed along for days. We sailed along for days and days. We sailed means हमने हमने जो है यात्रा की along for days and days. We sailed along मतलब means हमने दिनों दिनों तक यात्रा की and had the very best of place. And had the very best of place means ये जो था हमारे ड्रामाज का बेस्ट ड्रामा था मतलब हम बहुत सारे ड्रामाज हम करते थे कभी हम इंजीनियर बनते थे कभी हम डॉक्टर बनते थे कभी हम टीचर बनते थे कभी हम मतलब बहुत सारे यू नो रोल प्ले करते थे बट दिस वाज द बेस्ट ये सबसे अच्छा प्ले था जिसमें हम लोगों ने यू you नो know, जिसमें हम लोगों ने एक समुद्री यात्रा शुरू की ठीक है जिसमें हम शिप पर गए बट लेकिन उसमें एक बहुत बुरी चीज़ हो गई अनफॉर्चुनेटली टॉम फेल आउट है ना टॉम जो है वो सीढ़ियों से गिर गया एंड हर्ट हिज नी और उसने अपने घुटने पर चोट पहुंचा ली सो देर वॉज नो वन लेफ्ट इसलिए कोई भी बचा नहीं था मुझे छोड़कर मीन समुद्री यात्रा पे तो ये और इसके भाई गए सारा कुछ बहुत अच्छा ड्रामा बट अनफॉर्चुनेटली टॉम फेल डाउन फ्रॉम द स्टे फ्रॉम द शिप ओके सो आई थिंक दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग पोएम लेटॉक ऑफ दिस पोम नाउ वर्ड मीनिंग बिलोज का मतलब होता है ग्रेट वेव्स और सर्चेस ऑफ वाटर पेल्स का मतलब बकेट्स होता है प्लेज ड्रामा या फिर थिएटर ठीक है नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन द पोएट बिल्ट बेडरूम चेयर सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके बच्चो द पोएट एंड टॉम एक्चुअली सेल्ड टिल टी है ना नाउ वाइज सेलिंग टॉम फेल आउट एंड हर्ट हिस्ट

जब बच्चों के पास कोई भी चिंता नहीं होती कोई डिजायर नहीं होता है वो डॉक्टर बन जाते हैं जो भी चीज़ें उनके पास घर में होती है वो सेलर बन जाते हैं जो भी चीज़ें तकिया को बना लिया चेयर पे बैठ गया जहाज़ बना लिया है ना तो उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है उनको वर्ल्डली मटीरियल से कोई मतलब नहीं होता है एंड वेन द पोएट एंड टॉम पोएट एंड टॉम टॉम का मतलब उसका भाई बिल्ट अ शिप मीन्स उन्होंने एक क्या बनाया जहाज बनाया बिल्ट विद बैक बेडरूम चेयर हम यहाँ क्या फिल करेंगे बैक बेडरूम चेयर ठीक है तो बच्चों आई एम गोइंग टू रब दिस बिकॉज ये स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है तो आप यहाँ पे विद बैक बेडरूम चेयर फिल कर लेंगे ठीक है दे ऑल्सो पिलोज तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पिलोज

सभी प्लूरल फॉर्म में है तो नाउ द नेक्स्ट इज हम नेक्स्ट में क्या फिल करेंगे टॉम सजेस्टेड दैट दे शुड ऑल्सो टेक एन एप्पल है ना टेक एन एप्पल यहाँ पर हम लिखेंगे एन एंड देन वी विल राइट एप्पल एन एप्पल एंड एंड के बाद क्या फिल करेंगे स्लाइस ऑफ केक ओके सो वी विल पुट हियर अ स्लाइस ऑफ केक अ स्लाइस ऑफ पोएट एंड टॉम दे इमेजिन दैट देट सी उन्होंने ऐसे कल्पना किया कि वो जो है समुद्र में ही है उनका जो वॉयज है वो खत्म ही नहीं हो रहा है वो समुद्र पर ही है कई दिनों तक अनफॉर्चुनेटली बॉक्स कौन गिर गया टॉम गिर गया है ना टॉम फेल आउट एंड हर्ट यहाँ पे क्या फिल करेंगे हर्ट एंड देन हिज नीज क्या उसने हर्ट कर लिया था अपने घुटनों को है ना एंड हर्ट हिज नीज सो द पोएट वॉज लेफ्ट लोन इन द गेम यहाँ पर क्या फील करेंगे उसमें वो अकेला था लेट स्टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यू विल गेट हिस्टर क्वेश्चन नंबर वन इज वट आर द्री मोस्ट इसेंशियल थिंग्स दैट द टर्म कैरीड वेन देलिंग डू येट सेलर कैन सर्वाइव फॉर डेज विदाउट दोंग्स

now question number two do you think the poet and tom really set out to nail in sheep, ship or were they up to some kind of play which lines indicate this so the answer is no the poet and tom had imagined a game of sailing on the sea imagination. it can be seen from the following lines we built a ship upon the stairs all made of back bedroom शेयर्स ठीक है तो आपको कैसे पता चला तो आपको इस लाइन से पता चला कि वो सच में अपनी यात्रा पर नहीं गए थे बल्कि वो उनके इमेजिनेशन का एक पार्ट था नाउ मैंशन टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कम टू नो अबाउट वॉट द पोएट लव्ड एज अ चाइल्ड सो वी कम टू नो द पोएट लव्ड हैविंग वंडरफुल इमेजिनरी एडवेंचर्स एंड ही एन्जॉय द आइडिया ऑफ सेलिंग ऑन द सीज So bye children i think you have enjoyed this poem so let me know how was the poem bye everyone